हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला। इसमें हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी संगठन ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करते हैं हम लोग SAARC के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसा कि आपको पता होगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। ठीक है, इसका सचिवालय की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, कहाँ हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें 7 देश थे। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। आठवां जो आपका अफगानिस्तान सदस्य बना, अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। तो आप कितने SAARC में कितने सदस्य देश हैं? 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रखिए। ठीक है, इसकी मुख्य भाषा है राजभाषा इसकी अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिए। और जैसा कि पता होगा कि इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्रों की बात करें तो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार। ये पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। ठीक, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी सरकारी संस्था है SAARC। इसके महासचिव, अभी 2020 की बात कर रहा हूँ, तो अमजद वी हुसैन है। ठीक है, तो महासचिव बदलते रहते हैं, याद रखिए। तो अपडेट बने रहिएगा करंट से। इसकी जो फर्स्ट, इसके उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसके उद्देश्य में शामिल है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सामूहिक सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सहयोग के क्षेत्र की बात करें SAARC के सहयोग के क्षेत्र, तो मानव संसाधन एवं पर्यटन, पर्यावरण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक व्यापार एवं वित्त, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति इसके प्रमुख सहयोग के क्षेत्र हैं SAARC के क्षेत्रीय केंद्रों की बात करें हम लोग, तो SAARC के कृषि केंद्र, याद रखिए, SAARC के क्षेत्रीय केंद्र, SAARC कृषि केंद्र है आपका ढाका बांग्लादेश में, SAARC ऊर्जा केंद्र है आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान, SAARC सांस्कृतिक केंद्र है आपका कोलंबो श्रीलंका, SAARC टीबी एवं एड्स केंद्र है काठमांडू नेपाल, SAARC आपदा प्रबंधन केंद्र आपका नई दिल्ली में है भारत में। ठीक है, याद रखना है। इसके सम्मेलनों की बात करें तो इसका SAARC सम्मेलन फर्स्ट हुआ ढाका 1985 में, ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, 18वां हुआ था 2014 में काठमांडू नेपाल में, और आपको जैसा कि पता होगा 19वां 2016 में होना था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, लेकिन निरस्त कर दिया गया था क्योंकि उसी टाइम उरी हमले होने के कारण जम्मू कश्मीर के पास, इसलिए भारत ने और कई देशों ने इसका विरोध किया था, इसलिए निरस्त कर दिया। और ये हुआ है आपका 19 20वां SAARC सम्मेलन हुआ है काठमांडू नेपाल में। ठीक है, बीइंग द बेबीज की थीम थी। तो ये था आपका SAARC। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे इंडियन ब्राज़ील साउथ अफ्रीकन डायलॉग फोरम के बारे में। ठीक है, याद रखिए।